ये जो प्रोजेक्ट है हमारा फेयरफॉक्स ईऑन, फेयरफॉक्स डेवलपर का नाम है और ईऑन आईओ फ्लोरिडा हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। ये एक आईटीआईटीएस प्रोजेक्ट है, सेक्टर 140A में कॉर्नर प्लॉट है। इसमें हमारा जो अभी ऑफिस है, जो हमारा सेल्स ऑफिस है, वो यहाँ इस एरिया में, इस ग्रीन एरिया में है। ठीक है, ये जो चौराहा है ये बाहर वाला चौराहा है। इसमें ये जो रोड जा रही है, ये रोड, ये आपकी रोड जा रही है सीधे एडवेंट टावर के पीछे, एडवेंट टावर यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर। ठीक है, ये सामने वाली जो रोड जा रही है ये आपकी आगे 200 मीटर पे कनेक्ट हो रही है एफएनजी से, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मेनली हमने 4 टावर प्लान किए हैं। सबसे पहला टावर, टावर ए था, जो कि ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर का टावर है। ठीक है, इसमें अब क्योंकि ये आईटीआईटीएस प्रोजेक्ट है तो अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि 10% एफएआर पे आपको रिटेल शॉप्स बनानी होती है, तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल शॉप्स बनाई है। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट में थोड़ा यूनिकनेस लाने के लिए हमने ग्राउंड फ्लोर की रिटेल शॉप्स को डबल हाइटेड बनाया है। डबल हाइटेड मतलब नॉर्मली जो शॉप्स की हाइट होती है वो 11-12-13 फीट की होती है, हमारे ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स की हाइट है 21 फीट। 21 फीट की शॉप की हाइट में बायर का फायदा ये होता है कि नॉर्मली आपको पता है कमर्शियल प्रोजेक्ट में लोडिंग 50% की होती है, तो अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदता है तो उसको 500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है। लेकिन जब डबल हाइट की शॉप होती है 21 फीट की, जैसे हमारी शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे, तो बीच में मिड हाइट पे लोग मेजनाइन फ्लोर लगाएंगे, तो 500 स्क्वायर फीट, अगर 1000 स्क्वायर फीट की शॉप खरीदा किसी ने तो 500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया नीचे मिल जाएगा, 500 स्क्वायर फीट मेजनाइन फ्लोर पे, तो उसकी लोडिंग जो है जीरो हो जाती है। तो आप 1000 स्क्वायर फीट की शॉप खरीद के 2000 स्क्वायर फीट के शॉप का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर की शॉप के साइज हमने बड़े रखे हैं, 600, 700, 800 स्क्वायर फीट से ये साइजेस रखे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अब इतनी बड़ी शॉप की रिक्वायरमेंट हर किसी की होती नहीं है, ना ही हर किसी का बजट होता है, तो उनके लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स निकाली हैं, जो कि 300-400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती हैं, और इस शॉप की हाइट है 15 फीट। 15 फीट की शॉप्स ऐसी हाइट है कि वहां पर भी आप 7 और 8 फीट के 2 फ्लोर बना सकते हैं मेजरमेंट फ्लोर डाल के। ठीक है, सेकंड, और ये 350-400 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, तो ये बजट में आ जाती है लोगों के। सेकंड फ्लोर पे हमने फूड कोर्ट बनाया है, ये सेकंड फ्लोर आप देख रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर है, ये फूड कोर्ट है। उसके बाद थर्ड से लेके 22वें फ्लोर तक इसमें ऑफिसर्स हैं। अब इस टावर की जो रेरा डेट है कंप्लीशन की, वो है दिसंबर 2025। एज ऑफ नाउ इसका करंट स्टेटस जो है, दिसंबर 2023 में हमने इसके टॉप फ्लोर की स्लैब कास्ट कर दी थी। अभी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, यानी कि ग्लास लगाना, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, एसी डक्टिंग, लिफ्ट फिक्सिंग, ये सब काम चल रहा है। तो अगले 6 से 8 महीने में हम इस टावर की डिलीवरी कर देंगे, यानी कि इसकी रेरा डेट से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले। ठीक है, इस टावर के बाद हमने टावर ई लॉन्च किया। टावर ई जो है ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर का टावर है, सेम नॉमेनक्लेचर, ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड यानी कि 21 फीट की शॉप, फर्स्ट फ्लोर पे 15 फीट हाइट की शॉप, सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट, थर्ड से लेके 15th फ्लोर तक ऑफिस स्पेसेस हैं। ठीक है, अब इस टावर की जो रेरा डेट है कंप्लीशन की, वो है जनवरी 2027। ठीक है, करंट स्टेटस इसका ये है कि हम इस महीने के स्टार्टिंग में हमने इसके टॉप फ्लोर की स्लैब कास्ट कर दी, यानी कि अगले 1 से 1.25 साल में इसकी जो फिनिशिंग का काम है, अगेन वो फायर फाइटिंग, ग्लास लगाना, इलेक्ट्रिकल, एसी, ये सब काम हो जाएगा। अगले 1 से 1.25 साल में हम इस टावर को भी डिलीवर कर देंगे, अगेन रेरा डेट से 1-1.5 साल पहले। ठीक है, अब आपने देखा हमारी कंस्ट्रक्शन स्पीड इतनी तेज है, हम हर टावर को टाइम से बहुत पहले डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल में हर बायर का यही डर होता है कि मेरा प्रोजेक्ट, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट टाइम से आगे चल रहा है,
और लैंड वेरी फुली पेड अप है। मेरी प्लानिंग, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पुराना सब देखते हुए पहली बार हो रहा है किसी अंडर कंस्ट्रक्शन ITIS प्रोजेक्ट पे बैंक लोन हो रहा है। यहाँ आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव हैं, लोग ऑक्यूपाई कर चुके हैं, फिर भी आज तक उनमें लोन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही बैंक लोन हो रहा है। दो दो बैंक बैंक लोन दे रहे हैं हमारे यहाँ, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। ठीक है, अब लोन हर कोई लेता नहीं है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, लेकिन इससे बायर का एक भरोसा जमता है कि बैंक ने सारी रेकी कर ली होगी, सारी इंक्वायरीज कर ली होगी मार्केट से। ठीक है, इस टावर के बाद, टावर ई के बाद हमने टावर डी लॉन्च किया। ठीक है, टावर डी अगेन ग्राउंड प्लस 15 का टावर है, नीचे सेम नॉमेनक्लेचर, ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड शॉप, फर्स्ट फ्लोर पे 15 फीट हाइट की शॉप, सेकंड फ्लोर पे इस पे हमने फाइन डाइनिंग बना दिया। अब फाइन डाइनिंग यानी कि यहाँ रेस्टोरेंट बनेंगे। अब एक एक रेस्टोरेंट के एक एक बायर ढूंढना, बहुत बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं, बहुत एक एक बड़े बायर ढूंढना यहाँ मुश्किल था, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, उन रेस्टोरेंट में दो दो 300 स्क्वायर फीट के लॉकेबल शॉप्स बना दी है, और इसमें बायर के पास सेल्फ यूज या लीजिंग राइट नहीं रहेंगे, लीजिंग राइट हमारे पास रहेगा, और ये हम क्लब करके रेस्टोरेंट्स को देंगे, और ये जो रेंटल होगा इसका वो एज पर एक्चुअल होगा, जब रेंट रेस्टोरेंट से आएगा तो डायरेक्ट बैक टू बैक क्लाइंट को वही रेंट मिल जाएगा, और मीनवाइल जो भी टाइम लगेगा पोजीशन से लेके ब्रांड के आने तक, तब तक क्लाइंट को इस पर्टिकुलर यूनिट पे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली हर बायर का ये डर रहता है कि मेरा पोजेशन भी हो जाएगा टाइम पे, लेकिन अगर किरायादार नहीं मिला तो मेंटेनेंस मेरी जेब से जाता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में डी टावर के सेकंड फ्लोर के फाइन डाइनिंग में जब तक इस पे टेनेंट नहीं मिल जाता, इस पे मेंटेनेंस नहीं देना है, और जब टेनेंट आ जाएगा तो वो ब्रांड उस मेंटेनेंस को पे करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड से लेके नाइन्थ फ्लोर तक इस पे हमने ऑफिस सूट्स बनाए। ऑफिस सूट्स जो है अब बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर हैं जिनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, तो उनके स्टाफ का आना जाना लगा रहता है, तो उनके स्टाफ के ठहरने के लिए हमने यहाँ थर्ड से नाइन्थ फ्लोर पे ऑफिस सूट्स बनाए हैं, जिसमें कि यू विल हैव अ बेडरूम स्पेस, यू विल हैव अ स्मॉल ऑफिस एरिया, यू विल हैव अ पेंट्री, यू विल हैव अ वॉशरूम एंड बाथ। ठीक है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं मॉडल को, मॉडल में बिल्डिंग लाइन से नीचे बीच में ये एक्सटेंशन है, ये हर टावर में है, ये थर्ड टू सेवेंथ फ्लोर है जिनमें बैल्कनीज है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया ऑफिस सूट्स थर्ड से नाइन्थ फ्लोर तक है, तो थर्ड से सेवेंथ फ्लोर तक ऑफिस सूट्स विद बैल्कनी है, और एट्थ और नाइन्थ फ्लोर के ऑफिस सूट्स विदाउट बैल्कनी है। उसके बाद टेंथ से लेके 15th फ्लोर तक इसमें भी ऑफिस ही है। इस टावर की जो रेरा डेट है कंप्लीशन की वो है मार्च 2027। करंट स्टेटस इस टावर का ये है कि हम ऑलरेडी किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसकी एक्सकेवेशन और फाउंडेशन में, इस टावर में हम इसकी एक्सकेवेशन फाउंडेशन कंप्लीट करते हुए -2 और -1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, और हम इसमें ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अगेन ये भी अपने टाइम से, अपने शेड्यूल से बहुत आगे चल रहा है। टावर बी भी हमारा ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर का टावर है, इसमें सेम नॉर्मल क्रेचर है, अभी जो हमने सेल के लिए ओपन किया है ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड शॉप, यानी कि 21 फीट हाइट की शॉप, फर्स्ट फ्लोर की 15 फीट हाइट की शॉप, और उसके बाद 8th से लेके 11th फ्लोर तक के ऑफिस अभी हमने ओपन किए हैं यहाँ पर सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये चीजें तो मार्केट में हर कोई बेच रहा है, ऑफिस दुकानें, ऑफिस सूट्स को बहुत लोग बेच रहे हैं, कोई हमारा ही प्रोजेक्ट क्यों खरीदे। अब यहाँ बात आती है प्रोजेक्ट की यूएसपी की, कि किस प्रोजेक्ट की कैसी यूएसपी है। यहाँ आसपास ये आईटी हब है सेक्टर 140, यहाँ आसपास बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ITIS प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और सब अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। किसी की कोई किसी यूएसपी है कि मैं अपनी छत पे सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बना के दे रहा हूँ, किसी की यूएसपी है मैं सबसे बड़ी मैनमेड लेक बना के दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ, सब खूबसूरत प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी शॉप या आपका ऑफिस
कि ऊपर स्विमिंग पूल है या उसके सामने बहुत बड़ी लेक है, उससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपकी सेहत पे असर पड़ता है कि आपको कितनी कम से कम परेशानियां हो रही हैं इस प्रोजेक्ट में। जैसे कि इस तरह हमने जो जब अपने प्रोजेक्ट की यूएसपी डिज़ाइन की, हमने देखा कि जो एंड यूज़र यहाँ काम करेगा वो किस इस ऐसे प्रोजेक्ट में किस तरह की परेशानियाँ झेलता है, हमने उसको यहाँ मिटिगेट करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट चलते किराएदारों के दम पे हैं। मुश्किल से हमारे प्रोजेक्ट में या कहीं भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में 20-25% लोग होते हैं जो एंड यूज़र होते हैं, बाकी सब टेनेंट होते हैं। सब लोग इन्वेस्ट करते हैं कि किराएदार किराए पर चढ़ेगी मेरी यूनिट, मैं किराया खाऊंगा, मेरे बच्चे किराया खाएंगे। लेकिन होता क्या है, किराएदार जो है मालिकों की तरह बंधा हुआ नहीं होता। अगर आपकी खुद की शॉप है यहाँ पर और आपकी आपको यहाँ आने में यहाँ पर कोई परेशानियाँ फील हो रही हैं, तो आप अपनी शॉप खाली छोड़ के कहीं और रेंट पर नहीं जाएंगे। लेकिन किराएदार ओनर की तरह बंधा हुआ नहीं रहता। किराएदार को जैसे ही वो परेशानियाँ झेलेगा किसी प्रोजेक्ट में, वो तुरंत उस प्रोजेक्ट को छोड़ के कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ भी रेंट देना है, कहीं और भी रेंट देना है। तो हमने प्रोजेक्ट की यूएसपी डिज़ाइन की एंड यूज़र के हिसाब से। तो एंड यूज़र के हिसाब से यूएसपी डिज़ाइन करने का मतलब कि इस तरह के प्रोजेक्ट में एंड यूज़र जिस तरह की समस्याओं को झेलता है, जिस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है, हमने उसको मिटिगेट करने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम जो होती है कि हर जगह पे प्रोजेक्ट के आसपास जो सड़कें होती हैं, सरकारी सड़कें, वो अच्छी खासी चौड़ी होती है, क्योंकि सरकार अथॉरिटी 50 साल का पॉपुलेशन सर्वे करा के रोड डिज़ाइन करती है। लेकिन नॉर्मली बिल्डर्स क्या करते हैं, अपनी इंटरनल रोड छोटी बनाते हैं, फॉर ऑब्वियस रीज़न, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन उससे होता क्या, जब बाहर की सड़क चौड़ी है, अंदर की सड़क पतली है, तो बॉटलनेक बनता है। और जो पीक आवर होता है आपका सुबह आठ से दस, शाम 6 से 8, जब सारे ऑफिस खुलते और बंद होते हैं, तब आपका ट्रैफिक जाम लगता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इधर आइए, ये जो आपकी 45 मीटर की रोड है, कॉर्नर प्लॉट है हमारा, इधर 45 मीटर की रोड है, सामने 45 मीटर की रोड है, तो हमने अंदर में भी ये 45 मीटर की रोड दी है, ठीक है, ताकि जितनी बाहर की सड़क है उतनी ही अंदर की। अब क्योंकि मेरा कॉर्नर प्लॉट है, इसलिए तीन तरफ रोड है इसके पास, तो मैंने दोनों ही तरफ से एंट्री एग्जिट बना दिया है। और दोनों ही तरफ से इसके अलावा हो सकता है कभी किसी टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा आ जाए, तो इस 45 मीटर के रोड के अलावा हमने एक 12 मीटर की रोड यहाँ पर दी है और दूसरी 12 मीटर की रोड यहाँ पर दी है, ताकि यहाँ एम्पल स्पेस हो, यहाँ ट्रैफिक जाम ना लगने पाए, कितने भी पीक आवर हो, कितने भी ट्रैफिक आ जाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो एनसीआर में हर जगह, हर कमर्शियल एरियाज में है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। तो हमने दोनों ही मेन गेट से रैंप दिया है पार्किंग में जाने का। पार्किंग मेरी 2 लेवल की है, -1 -2। ग्राउंड फ्लोर की दुकानें की तरह मैंने पार्किंग भी डबल हाइट की बनाई है। एज ऑफ नाउ मेरे पास 3,500 गाड़ियों की पार्किंग है, लेकिन जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मैकेनिकल मील से, हाइड्रोलिक मील से उसको डबल कर सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्किंग को 3,500 की जगह 7,000 कर सकता हूँ, जो कि शायद ही आपने किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट में 7,000 गाड़ियों की पार्किंग सुनी होगी। तो हमने ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया, हमने पार्किंग की समस्या का समाधान किया। तीसरी एक प्रॉब्लम जो हर जगह लोग फेस करते हैं, खासकर गुड़गांव जैसे शहरों में जहाँ हाई राइज ऑफिसेज हैं, क्योंकि हर कोई ऑफिस पहुँचता है 5-7 मिनट का विंडो लेके, कि 5 मिनट पहले पहुँचे, पंच किया और नौकरी चालू। फिर होता क्या है, जब हम लिफ्ट लॉबी में पहुँचते हैं तो पहले से वहाँ 25 लोग खड़े होते हैं, और जब तक लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है 25 लोग और आ चुके होते हैं। तो इस गुड़गांव जैसे शहरों में तो कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों को पीक आवर्स में, सुबह और शाम के टाइम पे और लंच आवर्स में 20-25 मिनट लोगों को लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ता है लिफ्ट लॉबी में। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, मेरा एक टावर है ग्राउंड प्लस 22 का और बाकी 3 टावर है ग्राउंड प्लस 15 के, मैंने हर टावर में 22-22 लिफ्टें दी हैं। अब इतनी लिफ्टें एक टावर में आपने कभी नहीं सुनी होगी पूरी एनसीआर में। हमने जीरो वेटिंग टाइम के हिसाब से अपने लिफ्ट को डिजाइन किया है, ठीक है। ये तो बेसिक अमेनिटीज है कि ये हर किसी को चाहिए ही चाहिए अपने ऑफिस के पास, अपनी दुकान के पास। ये देखिए, हर इंडस्ट्री में लोग अपने ओवर द पीरियड अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं।
ठीक है, हर 10-15 साल बाद डेवलपमेंट आती है। अगर आप फोन की ही बात कर ले, आज से 15 साल बाद फोन, 15 साल पहले फोन कैसे हुआ करते थे और आज के फोन कैसे हैं, ऐसे ही हर इंडस्ट्री में जो उसके आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हैं। ये जो बेसिक चीजों का ध्यान रखा है, ट्रैफिक का, पार्किंग का, लिफ्ट का, ये ऐसी जरूरत है एक इंसान की कमर्शियल प्रोजेक्ट में, वो आज भी रहेगी, आज के 50 साल बाद भी रहेगी, तो हमने बेसिक नीड पे ध्यान दिया है। इसके अलावा और जो यूएसपीज हैं हमारी, जैसे बहुत से ऑफिस में होता है कि कुछ सेमिनार होता है, कोई गैदरिंग होता है, कोई कुछ लॉन्च करना होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किसी 5-स्टार होटल में जाके उनका ऑडिटोरियम बुक करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई सेमिनार होना है, आपका 2 घंटे का सेमिनार है, तो आपका सारा स्टाफ जाएगा सेमिनार में, लेकिन यू वुड वांट योर स्टाफ टू कम बैक एंड वर्क फॉर रेस्ट ऑफ द 5 आवर्स, क्योंकि तनख्वाह तो आप पूरे दिन की दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जाते वक्त ही सबके दिमाग में स्टाफ के बहाना तैयार हो जाता है कि भाई आज मुझे मेरी मामे के यहाँ जाना है, मुझे चाची के यहाँ जाना है, मेरे पेट में दर्द है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया है, हर एक टावर में एक कोर्टयार्ड बनाया है जिसमें ग्रीन एरिया रहेगा, यहाँ पर चेयर टेबल्स रहेंगी, कैफेटेरिया रहेंगे, यहाँ पर करीबन 150 से 200 लोगों की गैदरिंग की जा सकती है।